हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एरिया चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 125 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज के वीडियो में हम लोग 126 तक करेंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए गाइस, 12-13 क्वेश्चन रह गए और इजी इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फास्ट कराने के लिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही होगी समझ में तो आप उसको क्या करेगा, स्पीड को आप थोड़ा कम कर लीजिएगा। ठीक है, और आराम से सुनिएगा और जब तक तो समझ में आए उसको बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी टर्म यूज़ नहीं करूँगा कि जिससे आपको समझ ना हो, मैं फॉर्मूला बेस ही इसको कराऊँगा सारा, जैसे मैं पहले कराते आया हूँ। ठीक है, ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं कुछ भी कहीं से कुछ भी करा दूं, ठीक है, वैसा नहीं। ठीक है, तो बस आज कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूं। ठीक है, देखता हूं, ठीक है, कि होता है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो एक और वीडियो आ जाएगा, वो लास्ट है और ये चैप्टर एरिया ख़त्म हो जाएगा। एरिया के बाद हम लोग करेंगे एजेस। ठीक है, एजेस में भी ज़्यादा चैप्टर क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, वो भी दो तीन तीन की चार वीडियोस आएंगी उसकी और वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसी तरह गाइज मैं आपको को धीरे धीरे, मतलब कभी कभी बीच बीच में आके, ठीक है, कैसा कौन सा चैप्टर, मैथ हर सेक्शन, मतलब चैप्टर कैसा पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, कितना पढ़ना है, ठीक है, और ऐसे मोटिवेशन वीडियोस भी दूंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीरबाजी छोड़ूंगा, नहीं, एकदम फैक्ट टू द पॉइंट दूंगा। देखिए, जो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, आप जब बात मेरी सुनोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा, हाँ सर तो सही बोल रहे थे यार, तो ऐसा आप खुद बोलोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो जब आएंगी वीडियोस तो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि जब मैं वो वीडियो जब अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी तक आपने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो नए हैं चैनल पर वो भी कर लें, सपोर्ट कीजिए चैनल को क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और आप खुद ही देखते होगे कि अभी आपने जितने भी चैप्टर्स किए हैं आपका कितना मैथ उससे अच्छा हो गया होगा। अगर आपका अच्छा हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी जोड़ दें इनसे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 126 से क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। देखो, एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक उसमें एक आर्क बना हुआ है, ठीक है, उस आर्क का जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना फॉर्म बाय एन आर्क, ठीक है, ऑफ लेंथ इतना। ठीक है, तो जो वो सेक्टर है बना है एक आर्क से बना, उस आर्क की लेंथ ये दी है और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, एक सर्कल है उसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और उसमें एक आर्क बना हुआ है, ठीक है, उसका जो आपका लेंथ दिया आर्क का 3.5 सेंटीमीटर दिया, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है सर्कल का। ठीक है, बस हमको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से पता हो गया होगा, आपने फॉर्मूले सारे रट लिए होंगे, तो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे करा देता हूँ, ईजी हो जाएगा। तो गाइस देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर्क ऑफ लेंथ इंटू रेडियस, बस अब इसमें आप पुट कर दो। ठीक है, हाफ, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ कितना दिया था गाइस, ठीक है, 3.5 दिया था और रेडियस कितना दिया था, 5 दिया था, तो 3.5 इंटू, ठीक है, कितना, 5। ठीक है, ऐसा अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, क्लियर। अब इसको काट दो, 1 जा 2 जा, अब 35/4, 35/4 अब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा कितना जाएगा, 8 जा 34 32, कैरी आ गया कितना, 3, तो 7 जा 28 और 5, ठीक है, तो 8.8.75 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 8.75 दिया है कि नहीं, तो गाइस देखो ऑप्शन में 8.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबस्टेंडेड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर, एक आर्क है जो कि एक एंगल बना रहा है, ठीक है, 72 डिग्री सेंटर से, एट द सेंटर, सेंटर से, ठीक है, द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपसे पूछा क्या, लेंथ, द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें उस आर्क का जो है लेंथ निकालना है। ठीक है, जिस आर्क से जो है सेंटर से एंगल बन रहा है वो 72 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो आपको निकालना क्या, उस आर्क का लेंथ, तो आर्क का लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है,
तो गाइज आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर, ये थीटा है ठीक है, थीटा, और 360 ठीक है। देखो 2 का मतलब पता है 2 होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब रेडियस, और थीटा मतलब जो भी एंगल गिवन रहेगा क्वेश्चन में वो हमें थीटा की जगह लिखना है भाई, 360 डिग्री ठीक है। ये क्यू बन गया गाइस, थीटा होगा ये, मैं थीटा कर देता हूँ इसको ठीक है, थीटा ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, थीटा की जगह पे हमें जो एंगल गिवन होगा वो लिखना है। तो हम बस अब पुट करते हैं 2 × 22/7, रेडियस हमें कितना दिया था गाइस, एक मिनट देख लूँ क्वेश्चन में, रेडियस हमें दिया था 21 और हमें एंगल दिया था 72 ठीक है, और 22/360 ठीक है। अब देखो इसे काटो, ये 3 बार में कट जाएगा, इसे काटोगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 120 ठीक है, 12 से काटोगे तो ये 10 बार में, और ये 6 बार में कट जाएगा ठीक है। अब देखो ये 5 बार में कटेगा, अच्छा इसे काटते नहीं है ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ठीक है हम पॉइंट बिठा देंगे, इसे हम काटते नहीं है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा बस एक पॉइंट बिठा देंगे। तो 22 ये कितना हो जाएगा, 44, 44 × 6 करो 24, 264 ठीक है, 264 पर एक जीरो है तो बस एक पॉइंट यहाँ बिठा दो सेंटीमीटर। तो आर्क का लेंथ क्या हुआ गाइस, 26.4 सेंटीमीटर ठीक है। तो गाइस देखो ये फॉर्मूला है, आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने कराए हैं ठीक है, जिस जिस चैप्टर में जो जो मेथड है वो आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें ठीक है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी करोगे ना तो वो ट्रिक तो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी ना वो क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे एग्जाम में ठीक है। आप चाहे ट्रिक से करो या आप क्वेश्चन आप फॉर्मूले से करो, आपको याद तो करना ही पड़ेगा ठीक है, और याद करना नहीं उसको रटना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही वो याद हो जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे ना याद करने का तब भी याद हो जाएगा। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछोगे तो फटाक से बोल दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, फटाक से बोल दोगे, नहीं एरिया ऑफ सर्कल बोलोगे तो पाई आर स्क्वायर फटाक से बोल दोगे, ये कैसे आपको याद होगा। आप अपने क्या किया, इस पर बार बार प्रैक्टिस की ना तब ना आपको याद हुआ, इसी तरह आपको फॉर्मूले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ठीक है, वो अपने आप ही याद हो जाएंगे ठीक है। तो चलो गाइस ऑप्शन में देखते हैं 26.4 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 26.4 दिया हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, द एंगल मेड बाय ए सेक्टर एट द सेंटर इज 42 ठीक है, एक सेक्टर से एंगल बन रहा है सेंटर पर वो है 42 डिग्री ठीक है, 42 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कि उस सेक्टर का क्या होगा ठीक है, लेंथ मतलब एरिया क्या होगा सेक्टर का, तो इसका भी एरिया ऑफ सेक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला है ठीक है, उसी पे आपको क्या करना है, जो गिवन जो जो है आप उस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई डिवाइड बाई 360, और पहले वाले में क्या था, हमें आर का लेंथ निकालना था तो 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360 ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली यहाँ पे 2 नहीं है और इधर पे आर स्क्वायर हो जा रहा है ठीक है। तो आपको लिखा के बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो गाइस देखो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दो आप जो जो गिवन है, 22/7 ठीक है, इंटू आर हमें कितना दिया है 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 कर देता हूँ, थीटा का वैल्यू कितना दिया 42, तो 42 यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाई 360 ठीक है। देखो ये काट दो इसको, ये 30 बार में कट जाएगा ठीक है, इसे काट दो 6 बार में कट जाएगा, इसे काट दो 5 बार में कट जाएगा ठीक है। अभी 22 × 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आता है, डिवाइड बाई 5 जब इसको करोगे तो 5 × 5 = 25, 2 × 0.8 ठीक है, तो 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 52.8 सेंटीमीटर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक वॉल क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। देखो एक क्लॉक है वॉल क्लॉक, उसका जो मिनट हैंड है उसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय इट इन 30 मिनट। अब वो 30 मिनट में स्विफ्ट मतलब वो कितना एरिया कवर कर रहा है ठीक है, समझ में है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है ठीक है। तो आपको वो निकालना है, एक्चुअली में जो एरिया कवर कर रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक सेक्टर है ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको।
देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एरिया स्वेप्ट इन 30 मिनट। अब वो 30 मिनट में वो कितना जाएगा, 180 डिग्री पूरा करेगा। अगर वो 3 पे, 3 से अगर 9 पे जाएगा तो पूरा वो 180 गया। अगर वो 12 पे, 12 से 6 पे आएगा तो ये देखो पूरा 180, पूरा 180 होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मिनट हैंड। और जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो क्या एक्चुअली में वो रेडियस ही है, ठीक है। तो देखो वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री में वो जितना जा रहा है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, एक सेक्टर ही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट में स्वेप्ट लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, जो पहला वाला था, ठीक है। अब आर क्या था हमारा, रेडियस जो लेंथ दिया हुआ है मिनट हैंड का, ठीक है, वही होगा, ठीक है। तो 22/7 इंटू, ठीक है, आर मेरा कितना है 7 इंटू 7, और थीटा मेरा कितना दिया है 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री में वो 180 बनाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 360, ठीक है। देखो ये कट गया, ये देखो ये पूरा पूरी 2 बार में कटेगा, ये 11 बार में, तो 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं, तो गाइस देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए रोप बाई विच अ काउ मस्ट थ्रेडेड इन ऑर्डर दैट इट मे बी एबल टू ग्रेज एन एरिया ऑफ 909,856 मीटर स्क्वायर। देखो एक रोप है, उसे एक काउ बंधी हुई है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, काउ बंधी हुई है, अब वो मतलब उतना ही एरिया कवर कर पाएगा जितना वो जा सके, ठीक है। तो वो ग्रेस कितना कर रहा है, वो कर रहा है 909,856 मीटर स्क्वायर, इतना वो ग्रेस कर रहा है। तो पूछा है कि जो लेंथ होगा रोप का वो कितना होगा। तो गाइस देखो वो आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सपोज मान लो यहाँ इस पॉइंट पे गाय बंधी हुई है, ठीक है। अब वो उस पर जो रस्सी बंधी हुई है, मान लो सपोज इतनी बंधी हुई है, ठीक है। अब वो यहाँ से देखो हर ये इस पॉइंट से हर जगह पे सेम ही जाएगा। तो अगर हम ऐसे गोल घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है, फिगर जैसा ही बनाओ, मैनेज कर लेना। तो ये एक्चुअली में रस्सी क्या हुई, वो रेडियस हुई, और ये पूरा का पूरा एरिया कितना हुआ, ये एरिया दे दिया है 9,856, ठीक है, मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है ये रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डालेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल का दिया हुआ है, ठीक है, 9,856, ठीक है, और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, हमें आर स्क्वायर निकालना है, क्लियर, ठीक है। अगर हम इसको 22 से इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। 22, 9,856, ठीक है, 4 जा 88, 0, 1, 5, ठीक है, 5 जा कितना होता है, 110 होता है, तो 5 बार में तो ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 से ही जाएगा फिर से 88, 5 में से 8 गया कितना बचेगा, सॉरी 15 में से 8 गया तो 7, 9 में से 8 1, और ये 6 इधर आया। अब देखो ये कितनी 8 बार में जाएगा, हाँ 8 बार में चला जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो देखो कट गया है, अब इसे काट दो आप, कितना 448, ठीक है। तो आर स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 448 इंटू 7, ठीक है, आर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 448 इंटू 7, ठीक है। अब देखो आप इसको तोड़ो तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो ये जब तोड़ोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2, करके देख लेते हैं, ठीक है, 448, ठीक है, 2 से जाएगा 2, 2, 4, फिर 2 से जाएगा 1, 1, 2, फिर 2 से जाएगा 56, फिर 2 से जाएगा 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा, गलत हो रहा है क्या, एक सेकेंड। तो गाइस देखो गलत काम हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे 2 2 जब 4, ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 14 होएगा, ठीक है, 14 है ये,
यहाँ काट के लिखता हूँ 14, और यहाँ काट के लिखता हूँ 28, ठीक है। अब ये 2 से जाएगा तो ये पूरा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये 7, और ये 7 बार में पूरा 1, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, फिर 1 7, और ये वाला 7 इधर, ठीक है। पेयर बनाओ 1 2 3 और 1 6, तो कितना आया, 2 2 2 × 4, 1 2 3 1 4, ठीक है। तो कितना होगा, 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, तो 56 मीटर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 56 मीटर दिया कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन में 56 मीटर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, फोर हाउसेस आर थ्रेटेंड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 63 मीटर। देखो एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका साइड 63 मीटर है, उसके चारों कॉर्नर पे, ठीक है, हाउसेस को बांध दिया गया है, सो डैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अदर। इस तरह बांधा गया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले ना, ये सबके सब आपस में मिले मिले ना। तो क्या बोल रहे हैं, द अनग्रेज एरिया, तो उन्होंने कितना एरिया नहीं खाया होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ किस तरह बनेगा। तो गाइस देखो ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, जहाँ पे क्या क्या कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर पे, ठीक है, हॉर्सेस को बांध दी गए। तो ये यहाँ से इतना खाएगा, ये वाला यहाँ से इतना ग्रेस करेगा, और ये वाला यहाँ से इतना करेगा, और ये वाला यहाँ से इतना करेगा। तो रिमेनिंग कितना बना, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, और ये भी एक क्वाड्रेंट है। चारों क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अगर इसका लेंथ आपको 63 दिया हुआ है, ये 63 दिया है साइड, तो ये हमारा जो डायमीटर है ये भी 63 होगा, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये मेरा रिमेनिंग है, ये जो बच गया है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यही ये जो चारों हिस्सा है, हमने इसको इस तरह कर लिया ताकि इजी हो जाए। अब देखो रिमेनिंग पार्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो रेडियस होता है उसका 6/7 होता है रिमेनिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 6/7 का, मतलब रेडियस का 6/7, 6/7 आर स्क्वायर, ठीक है। तो 6/7 आर स्क्वायर, आर मेरा कितना है, ठीक है, 63/2, अगर डायमीटर 63 है, ठीक है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, 63/2 × 63/2। देखो ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब इनको 63 × 3 × 9 करने से हमारा आंसर कितना था, 1701 डिवाइड बाई 2, और इसको करेंगे तो पॉइंट में आएगा कितना आएगा, 8 16 5, ठीक है, 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, 850.5 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 850.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 1 मीटर एंड 2 मीटर। देखो दो साइड्स हैं ट्रेपेजियम की, पैरेलल साइड्स हैं, वो उनका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन देम इज 6 मीटर, और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि उसका लेंथ दिया है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, कुछ नहीं करना है गाइज आपको, बस क्या करना है, दोनों का फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो गाइज ये ट्रेपेजियम है, इसके पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, और जो परपेंडिकुलर मतलब ये होता है, ठीक है, और इसका जो हाइट, इसी को बोलते हैं हाइट, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो वो 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का मतलब होता है ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स का, प्लस ऐड करना है इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये हाइट, ये लिखना है, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं एरिया, एरिया निकाल देते हैं हाफ इंटू, ठीक है, 1 + 2 × 6, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 × 6, काट देंगे तो ये 3 होगा, तो ये आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 9 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं।
तो गाइस देखो ऑप्शन में 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ इट्स पैलर साइड्स आर इन द रेशियो, अगर पैलर साइड्स का जो रेशियो है 3:5 है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों पैलर साइड्स के बीच का वो 12 सेंटीमीटर दिया, तो बोल रहा है द स्मॉलर ऑफ द पैलर साइड, जो पैलर साइड जो स्मॉलेस्ट होगा वो कितना होगा, हम वो निकालना है। तो देखो थ्री पैलर साइड्स हमें उनका रेशियो दिया है 3:5, तो हम इसी को ले लेते हैं, 3x 3x 5x ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा, तो स्मॉलर साइड हमें पता है स्मॉलर रेशियो क्या ये है, तो बस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर गाइस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ टू पैलर साइड, उनका रेशियो दिया 3:5, तो मैं इसको 3x+5x ले लेता हूँ, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 12 है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हुआ है गाइस, एरिया दिया 384 दिया हुआ है, इतना ही दिया ना, हाँ इतना ही दिया, ठीक है, इंटू हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा 8x 12। अब देखो ये कटता है, इसे काट देंगे, देखो इसे काट दो, ये पूरा पूरी चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। अब इसे काटो, देखो ये 8 से कट रही गया, 8 4 जा 32, ठीक है, 64 8 जा पूरा पूरी कट गया, 6 से काट दो, देखो 8 बार में कट गया, तो x का वैल्यू मेरा आया 8। तो इसमें देखो स्मॉलर क्या है, स्मॉलर स्मॉलर मेरा है 3x, तो 3x, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24 सेंटीमीटर आता है। तो ऑप्शन में देखते हैं 24 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 24 सेंटीमीटर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनल इज ए ट्रेपीजियम इन शेप। देखो एक कैनल है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रेपीजियम शेप का है, ठीक है। इफ द कैनल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 6 मीटर वाइड एट द बॉटम, अगर जो कैनल है वो ऊपर से ऊपर वाला जो होगा, ठीक है, टॉप वाला वो 10 मीटर है और नीचे वाला 6 मीटर है, तो बोला एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज, और जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कितना दिया, 640 मीटर, तो लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन पूछा है, तो लेंथ कितना, मतलब एक्चुअली मैं आपसे हाइट पूछा, मैं डायग्राम बना के बताता तो ज़्यादा ईजी होगा आपको। तो गाइस देखो ये है ट्रेपीजियम का जो कैनल है, ट्रेपीजियम शेप में, ऊपर वाला जो लेंथ है 10 मीटर और नीचे वाला 6 मीटर है, और ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है, वो पूरा पूरी कितना है, इसका एरिया दे दिया है कितना, 640, और ये हमसे हाइट पूछा है, ठीक है, हमसे ये वाला पूछा है क्वेश्चन में, बोला है ना क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो ये जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है इसका हमें लेंथ पूछा है, ठीक है। तो बस हम इसी फॉर्मूले में डाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल टू साइड्स 6+10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ठीक है। अब देखो 640 इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच, ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 80 बार में, तो एच मेरा कितना आएगा, इस 80 आया, ठीक है, 80 मीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं 80 मीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 80 मीटर दे दिया, गाइस 4 ही क्वेश्चन रह गया, टाइम बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कराने की, ठीक है, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब पैलोग्राम हैज द साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर, एक पैलोग्राम है उसका साइड दिया 60 मीटर एंड 40 मीटर, एंड वन ऑफ इज डायगोनल इज 80 मीटर लॉन्ग, और एक जो डायगोनल है उसका 80 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि एरिया कितना क्या होगा पैलोग्राम का, ठीक है। तो डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बस आप पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये पैरेलोग्राम है, ये 60 है, ये 40, और ये एक जो डायगोनल ये दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल है, अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका भी वही होगा, इसका एरिया निकाल लेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारा ये पैरेलोग्राम का एरिया निकाल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखो तीनों साइड दिया, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूले से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 60+40+80/2, तो ये करने से कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस हीरोज फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू
एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, एस माइनस सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 × 90 माइनस 60 30, ठीक है, 90 माइनस 80 10 और 90 माइनस 40 50, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30√15 आएगा, ठीक है। करके देख लेना गाइज, मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, और जल्दी जल्दी थोड़ा करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मेरा आ गया 300 होगा, 300√15 मीटर, ठीक है। तो टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल एरिया, ठीक है, या फिर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600√15 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखते हैं 600√15 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 600√15 दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ स्क्वायर एंड अ रो एंड अ रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सेम बेस पे स्क्वायर खड़ा है, सेम बेस पे रोम्बस खड़ा है, तो बोल रहा है कि जो स्क्वायर का और रोम्बस का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ आपको। देखो मैं एक नीचे एक बेस बनाता हूँ और एक ऊपर बेस बनाता हूँ, ठीक है। देखो इस बेस पे सपोज ये जो बेस है इस पे मेरा स्क्वायर खड़ा है, ठीक है, और इसी बेस पे मेरा रोम्बस भी खड़ा है, ठीक है, रोम्बस भी खड़ा है इसी बेस पे, इसको और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, रोम्बस भी खड़ा है। अब देखो इसमें इसका सेम बेस पे जब भी खड़ा रहेगा स्क्वायर और रोम्बस, तो दोनों का एरिया हमेशा इक्वल रहता है, होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। आप इसको रट लो, ओके, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा आपसे, ठीक है। तो जब भी पूछेगा रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इट इक्वल टू 1, ठीक है, हमेशा 1 ही होगा, इसको आप रट लो, ठीक है, तो इक्वल टू 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 80%, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 80% ऑफ द अदर डायगोनल। देखो एक रोम्बस का जो डायगोनल है एक, वो दूसरे डायगोनल का 80% है। देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज हाउ मेनी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। तो जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो कितना स्क्वायर के कितने के मतलब कितने टाइम्स, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर के लेंथ का जो लॉन्गर डायगोनल होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये पूछे, तो आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं D1, ठीक है, D1 D2 लेता हूँ, एक डायगोनल को D1 लेता हूँ, ये x है, और दूसरा वाला इसका 80% है, तो D2 ले लेता हूँ, तो x का मैं 80% निकालूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x/5, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, D1 इंटू D2, ठीक है, तो हाफ x इंटू 4/5, ये देखो कट जाएगा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x² / 5, ठीक है, ये मेरा एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो 2/5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा मतलब एक्स स्क्वायर जो होगा वो डायगोनल किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2/5 ही होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो लॉन्गर डायगोनल के स्क्वायर का कितना होगा, तो लॉन्गर डायगोनल अगर मेरा एक्स है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितने वो किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा, क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो ऑप्शन में भी 2/5 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इस डायगोनल इज ट्वाइस द अदर द लेंथ ऑफ द छोटा डायगोनल, ठीक है, एक जो डायगोनल वो दूसरे का ट्वाइस है, तो पूछा छोटा डायगोनल जो होगा उसका लेंथ कितना होगा, तो आपसे बड़ा भी पूछ सकता था। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, लेट सपोज D1 को मैं, ठीक है, x लेता हूँ, और जो D2 है, ठीक है, उसको मैं ट्वाइस 2x लेता हूँ, ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला तो रट गया होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, तो हाफ इंटू D1 कितना दिया मेरा x, और D2 कितना दिया 2x, ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस दिया 144, ठीक है, तो देखो 2 कट गया, ठीक है, 144 इक्वल टू x square, तो x हो जाएगा मेरा 12। अब आपसे क्या पूछा था,
आपसे पूछा था शॉर्टर, तो शॉर्टर मेरा क्या है, D1 है, तो D1 मेरा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइज देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। फाइनली गाइज एरिया चैप्टर कंप्लीट हुआ, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई है कि एरिया चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है गाइज, ठीक है, वीडियोस बनाने, आप खुद ही देख लो इतने सारे पार्ट आए, शायद ये 17 पार्ट होगा। ठीक है, अगर मैं अभी ये कितने 12-13 क्वेश्चन बचे थे, अगर मैं इनको फास्ट फास्ट नहीं कराता तो शायद एक और वीडियो मेरे को बनाना पड़ जाता। ठीक है, इसलिए मैंने एक और वीडियो का झंझट नहीं लिया और थोड़ा फास्ट फास्ट समझाया। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो समझने में, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ रॉकेट साइंस मैंने समझाया नहीं है कि आपको समझना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, बेसिक बेसिक थी, वही समझा दी मैंने। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे, तो कोशिश करो ना कि रिपीट करके बार बार देखें। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएं गाइस, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। ठीक है, आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये देखो यहाँ मेरा ये मोटिव नहीं है चैनल खोलने की, इस यूट्यूब से मैं पैसे कमाऊँ। ठीक है, सब्सक्राइबर भी उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। ठीक है, अगर मेरे को कमाने ही होते पैसे तो मैंने 2 साल पहले ही शुरू किया था, तो अभी तक मैं बहुत लाखों कमा लिए होते। ठीक है, अब यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे, ठीक है, आप पता लगा सकते हो कि ये यूट्यूब चैनल कितना कमाता है, तो आप वो उसकी हेल्प से भी मेरा चैनल का नाम भी दे दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कि मैं मंथली इनकम के, मंथली क्या, अभी तक तो मेरा पिन ही नहीं आया है गूगल पिन, ठीक है, तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो आप देख लोगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहा, नहीं सही गलत है। ठीक है, कमाना ही है तो मैं बाहर से बहुत ही पैसे अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब से मैं नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कि आप बच्चों का जॉब लगे, ठीक है, सक्सेसफुल हो, ठीक है, फ्री में बिना पैसे खर्च किए। ठीक है, बस आप सबको फ्री में कंटेंट देता रहूँगा, पढ़ते रहो, दबा के शेयर करो, सपोर्ट करो, लाइक करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कौन से चैप्टर पे, एजेस चैप्टर पे। ठीक है, और उसमें भी 3-4 वीडियोस आएंगे, फिर चैप्टर वो भी खत्म हो जाएगा। चलो तब तक मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।